नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वाद्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवस्ताहूरम ओंकार स्वरूपाय नमः जन्मकोद्भूतस्तुतिदेव्यो नमः। रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अत्यंत निवारक श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणिम मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एष सुरासुरो मनसिंह वंदितं भूतहाय कमलम अनुमान वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कथितारम्। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार जी परमागम गाथा नंबर 80। जो जानद अरहंतम दब्बत गुणत्त पज्जयते हिं सो जानद अपानम मोहो खलु जात तस्य लयम। कुछ कल्पित उपाय करके निराश हो जाते हैं लोग, मोह का नाश नहीं होता। हमने बहुत उपाय करके देख लिए, निराश होने की बात नहीं। जिस उपाय से कार्य सिद्धि न हो वह उपाय अन्यथा है। टोटोमल जी ने कहा अन्यथा पुरुषार्थ से यदि कार्य सिद्धि चाहे तो कैसे हो। मोह का नाश तेरे कल्पित उपायों से संभव नहीं है। यह तू मोही जीवों की संगति में रहेगा वहां तो तेरे मोह का पोषण ही होता है। इसीलिए ज्ञानी जीवों को साधक जीवों को लौकिक जीवों की संगति नहीं सुहाती। जिन्हें लौकिक जीवों की संगति सुहाती है उन्हें विचार कर लेना चाहिए कि अपनी परिणति किधर जा रही है। लौकिक जीवों की संगति से मोह का अभाव कहां संभव है। मोह का अभाव होता है क्योंकि मोह जीव का स्वभाव नहीं है। जो जीव को नहीं जानते उनके मोह का अभाव नहीं होता। उनके मोह का भाव होता ही है जो जानत अपानम जो अपने को जानते हैं। तात्पर्य अपनी भाषा में कहें तो जो अपने को जानते हैं अपने को आत्मा जानते हैं द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज जानते हैं अनादि निधन जानते हैं काल की अपेक्षा और ज्ञाता स्वरूप जानते हैं। ज्ञान मात्र जानते हैं। कैसा है ज्ञान मात्र। इस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ऐसा ज्ञान मात्र भाव। ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान से विरुद्ध रागादिक भावों का निषेध समझना चाहिए। ज्ञान की अंतःपातनी अनंत शक्तियों का निषेध नहीं समझ लेना चाहिए। ज्ञान मात्र कहने से जो अनंत शक्तियों का निषेध समझ बैठे तो ये तो ओवर बुद्धि है, अन्यथा बुद्धि है। लिखा है ना ज्ञान मात्र। लिखा है कब कह रहे हैं। जैसे हम कहें 10 रुपया मात्र तो 10 रुपया में कम ज्यादा नहीं है, ये बात सही है। लेकिन उस 10 रुपया में 1000 पैसा है कि नहीं है ये बता। अंतर गर्वित है कि नहीं।
यदि उसके स्वरूप को विचार किया जाए, एक 10 के नोट में 5 5 के दो नोट अंतर गर्भित हैं के नहीं, दो दो के 5 नोट अंतर गर्भित हैं के नहीं, एक एक के 10 नोट अंतर गर्भित हैं के नहीं, उनका निषेध कहाँ आया? मिश्री मिठास मात्र है, इसमें मिश्री सफेद है, शीतल है, इसका निषेध कहाँ आ गया? कैसे आ गया? खट्टी चरपड़ी कड़वी कसैली नहीं है, ये बात सत्य। ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान की अंतःपात्नी अनंत शक्तियों का निषेध कैसे हो गया? यदि निषेध माना जाए तो सुख का भी निषेध हो जाएगा, फिर इस आत्मा को जानने का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा? और सचमुच जो बिना अनेकांत आत्मक वस्तु को समझे, ज्ञान मात्र भी कहते रहते हैं, शुष्क ज्ञान पक्ष को ग्रहण करते हैं, उनके सुख का मार्ग नहीं खुलता, सुख नहीं मिलता। आत्मा ज्ञान मात्र है, परंतु ज्ञान मात्र ऐसा नहीं जिसमें अनंत शक्तियां नहीं, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें प्रभुता नहीं है, जो अनादि निधन नहीं है, जो अपने प्रदेशों में नहीं है, ऐसे ज्ञान मात्र नहीं है वह। आत्मा अखंड है, सच्ची बात है, परंतु कैसा अखंड है? अनिराकृत खंडम अखंडम, अमृतचंद स्वामी ने कलश में लिया, अनिराकृत खंडम अखंडम। हमारा भारत देश अखंड है। अखंड का मतलब ये नहीं है कि इसमें इतने प्रदेश नहीं है। हमारा घर अखंड है, अकेला हमारा ये, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन उस अखंड का मतलब ये नहीं है कि इसमें कमरे आदि के खंड नहीं है। ये कमरा है, ये रसोई घर है, ये स्टॉक रूम है, ये बैठक है, ऐसी खंड नहीं है। अगर निकाल दिए जाए तो घर होगा कि बाड़ा हो जाएगा, सोचो समझो। अखंड घर में भी ये खंड है ही कि नहीं है, इनका निषेध घर का ही निषेध हो जाएगा। इनका निषेध करने से घर का ही निषेध हो जाएगा, फिर घर कहां रहेगा? पूरा एक बाड़ा खींच तो उसमें केवाड़ लगा दो, देखो साहब कितना सुंदर घर है, अखंड है। ऐसा अखंड है? द्वैतवादी ने कहा, देखो अंत में तो हमारा ही मत काया, तुमने भी तो यही कहा कि नहीं हमने यह नहीं कहा, हमने यह नहीं कहा, हमारा अभिप्राय कुछ अलग है। द्वैत विकल्प का निषेध है, दूसरी वस्तु है ही नहीं ये बात नहीं, दूसरी वस्तु है परंतु वह दूसरी वस्तु अपनी नहीं, वह दूसरी वस्तु अपने लिए नहीं है। यदि उसका परिणमन अपने विकल्प के अनुसार हो भी जाए तो अभिमान करने की कोई बात नहीं, सुखी मान लेने का भ्रम करना नहीं चाहिए। और यदि उसका परिणमन अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं होता तो दुखी होने का इसमें कोई प्रसंग नहीं है, कोई कारण नहीं। जो अपने को आत्मा जानता है तो अपन तो एक ही है ना, एक। जो अपने को आत्मा जानता है उसे शरीर ज्ञान में आने पर भी ऐसा लगता नहीं ये भी मैं हूं, मोह उत्पन्न नहीं होता। नाना प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं, नाना प्रकार के संयोग मिलते हैं, उनमें ये ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मैं हूं। क्यों? उसको ये लगने लगा मैं आत्मा हूं। उसको ये नहीं लगता क्या? मैं मनुष्य हूं, ये पशु है। उसको ये लगता है मैं आत्मा, ये आत्मा। मोह उत्पन्न नहीं होता, पर्याय का ज्ञान होने पर भी पर्याय में मूढ़ता नहीं होती, संयोग का ज्ञान होने पर भी संयोग में अपनत्व नहीं होता, ममत्व नहीं होता, अहंकार ममकार नहीं होते। कोई करा नहीं सकता,
आपको बालक का दृष्टांत दिया था याद हो तो, जिस बालक ने अपनी मां को भली प्रकार से देखा, भली प्रकार से मां का परिचय जैसे हुआ और कोई प्रसंग बन गया, छोटी ही उम्र में उसकी मां का वियोग हो गया, उसकी चाहे वो चाची हो, चाहे बुआ हो, चाहे ताई हो, दादी हो, कोई भी हो, उसने उसे इस ढंग से पाला कि मां का अभाव खटकने नहीं दिया, इतने लाड़ प्यार स्नेह से पाला कि उसे मां का अभाव नहीं खटका, बड़ा हो गया, अच्छी प्रतिष्ठा पर पहुंच गया। उसने कहा अब हमारा नंबर है। उपकार का स्मरण करते हुए वह भी सेवा में पीछे नहीं हटा, उसने उन्हें बुलाया, अपने पास रखा, बीमार हो गई सेवा की। कहा भैया ये कौन है, ये कौन है, क्या कहे, ये हमारी ताई जी हैं, हमारी बुआ जी हैं, ये आपकी माँ है। अब वो माँ क्या, माँ से अधिक हैं, माँ से ज्यादा है, अधिक शब्द बता रहा है। इनका उपकार हम जीवन में नहीं भूल सकते, इन्होंने ही हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। उपकार मानना भी अलग बात है और अपना मानना अलग बात है। पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब किया और वह भी बालक, कोई कुपुत्र नहीं, मूढ़ नहीं, जो अपने प्रति किए गए उपकार को भूलते हैं, वे कृतज्ञ नहीं है, पापी है। नए कृतम उपकारम साधवा विस्मरन्ति, साधुजन सज्जन पुरुष अपने प्रति किए गए उपकार को नहीं भूलते। लेकिन विचार करो, ये आपकी मां है, मां तो नहीं है, हमारी मां तो 9 वर्ष की उम्र में चली गई थी, छोटे में चली गई थी, और इन्होंने ही हमें पाला पो, माने तमाम व्याख्याएं करेगा, पैर छुएगा, सारा काम करेगा, लेकिन विश्व की कोई शक्ति है जो उसे मां मनवा दे, क्यों नहीं मनवा सकता, है कोई शक्ति जो उसको मनवा दे कि ये मां है तुम्हारी, बेटा मान लो ये मां है तुम्हारी, है कोई शक्ति, नहीं, क्यों, उसकी ज्ञान में उसकी दृष्टि में मां का रूप बसा हुआ है। मां जैसा व्यवहार करेगा, मां से अधिक सेवा करेगा, जो कुछ भी यह कर सकता है, लेकिन मां मान लेवे, मां नहीं मनवा सकता, संभाल करेगा, सब करेगा। ये शरीर मोक्ष मार्ग में का निमित्त है, संयम का निमित्त है, इसकी भी संभाल करते हैं ज्ञानी जन, अज्ञान से, प्रमाद से, विषयाशक्ति से बिगाड़ते नहीं है इस शरीर को, द्वेष बुद्धि से इसका शोषण नहीं करते, ये संयम का निमित्त है। लेकिन उसे अपना माने, समाधि मन में आया, सम्यक दृष्टि जीव से कोई कहता है भैया देखो ये शरीर तुम्हारा अस्वस्थ है, पहले इसको ठीक करो, शरीर रहेगा तो धर्म साधन करोगे, शरीर नहीं रहेगा तो क्या करोगे, नियम संयम बाद में धारण कर लेना, अभी छोड़ दो, पाप हमारे मां थे, ये ग्रंथ में नहीं लिखा, लोग मोही जीव कहते पाप हमारे मां थे, अरे तेरा पाप दूसरे के माथे कैसे पहुंच सकता है, तुम ले लो ना, पाप हमारे, हमारे ऊपर पाप है ना, हम अपने ऊपर ले रहे, तो कि तुम ही ले लो ना, हमें लाभ हो जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता तो पाप कैसे उसके माथे आएगा। अरे जो उसे अपना मानेगा उसी को पाप लगेगा भाई, जो पर द्रव्य को अपना मानता है वही पापी होता है, पाप दूसरे को कैसे होगा, जो पर का कर्ता मानता है अपने को उसी को पाप होता है, जो पर को अपने को भोक्ता मानता है उसी को पाप होता है।
और इनके वशीभूत होकर के हिंसा झूठ चोरी आदि पापों में प्रवृत्तियां होती हैं। बस होए घोर अकीने बचते न ज्ञात कहीने, इनके बस पाप किए हम पन बीस जो भेद कहे हम इनके बस पाप किए। सम्यक दृष्टि उत्तर देता है, हमें इस शरीर से द्वेष थोड़ा ही है, यह शरीर रहे हमारे नियम संयम पूर्वक तो रहे, और नहीं रहता है तो नहीं रहे, हम क्या करें। हम देह संयम के लिए ये तुम कह रहे हो तो हम देह के लिए संयम कैसे छोड़ दें। जिसने अपनी माँ को नहीं देखा, बिल्कुल अबोध दशा में जन्मते ही इसकी माँ चली गई, वह पालने वाली को अपनी माता मान सकता है जीवंदर कुमार की तरह। कब तक? जब तक उसे अपनी मां का परिचय श्री गुरु के द्वारा नहीं हुआ। जब उसे अपनी मां का परिचय हुआ, मेरी माता तो विजया रानी, मेरे पिता तो सत्येंद्र राजा, अब वह मां जैसा व्यवहार करने पर भी मां कैसे माने विचार में। जो अपने को जानता है उसे मोह उपजता नहीं है। मोह नसने का मतलब क्या है? मोह का नाश होने का अर्थ है मोह नहीं उपजना। बुखार टूट जाने का मतलब है, चार दिन से बुखार चल रहा था, वह संतति टूट गई, बुखार आज नहीं आया, यही अर्थ लेते हैं और कुछ। कल आया था सो कल वाला निकल, उसको भग गया है या टूट गया है, ऐसा तो कोई अर्थ नहीं है ना उसका। आज बुखार टूट गया, आज बुखार मिट गया, मिट गया का मतलब आज नहीं आया, चार दिन से आ रहा था। तो अनादि काल से अपने को नहीं जाना था, तो अनादि काल से जो स्वांग आता था, जो परिणति होती थी, वह यह लगती थी मैं ये हूं। आज श्री गुरु के प्रसाद से अमृतचंद स्वामी ने किन शब्दों में स्मरण किया है, सर्वज्ञ देव परम गुरु से लेकर निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न हमारे गुरु पर्यंत। ओहो, बोल के तो बताओ ऐसी भाषा। भीतर में जब आएगा इस प्रकार का भाव, तब वो भाषा निकलेगी। परम गुरु सर्वज्ञ देव से लेकर अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत, कैसे हैं वे गुरु? निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न उनके द्वारा दिया गया अनुग्रह पूर्वक शुद्धात्मा का उपदेश, उसके द्वारा हमें निज वैभव की प्रकटता हुई। देखो उपकार का स्मरण किन शब्दों में, लेकिन हुई किसके द्वारा, किसके आश्रय से, कहां, किसमें से वो परिणति आई, विचार करो। ज्ञानी जानते हैं यह परिणति अंतर से आई है, अंतर से आई है ऐसा अंतर में जानते हैं, केवल शब्दों से नहीं बोलते, और बाहर में श्री गुरु के उपकार को अभिव्यक्त करते हैं। बाहर में व्यवहार और अंतर में परमार्थ। हमारी दशा कुछ और चलती रहती है, विचारना नहीं चलती तो धन्यवाद। परमार्थ हम बातों में करते रहते हैं और मिथ्या तो भीतर में बैठा रहता है। ऊपर ऊपर से हम कहते रहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और जब प्रसंग होता है तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आता क्या करें, तुम्हारी वजह से तो बहुत परेशान हो रहे। अरे तुम्हारी वजह, दूसरे की वजह से, तुम ही तो कहते थे एक दबे दूसरे दबे का करता है।
माता कहेगी बेटे को समझा दो, और बेटा आएगा तो कहेगा महाराज अम्मा आए तो समझा दी उन्हें गुने, तू तो समझ ले बेटे। एक दूसरे को समझा दे, क्या समझा, हमारे अनुकूल हो जाए तो हम सुखी हो जाए। अरे भगवान समझा रहे हैं, जिनवाणी समझा रही है, पर पदार्थ तेरे अनुकूल होते हैं पुण्य के उदय में, परंतु तेरे विकल्प से नहीं, तेरे कर्तृत्व से नहीं, तेरे अहंकार से नहीं, तेरी कथा से नहीं। लेकिन परद्रव्य के अनुकूल होने पर जीव सुखी हो जाए ऐसा नहीं है। इस मोह को तोड़ भाई, जब तक आत्मा नहीं जाना था तब तक जो पर्याय आती थी ऐसा लगता था यही तो मैं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, हे क्या करता है, अब मैं बड़ा हो गया हूं। कब से कितना बड़ा हो गया बताना भैया, कितना बड़ा हो गया। असंख्यात प्रदेशों में एकाध प्रदेश बढ़ गया क्या, अनादि अनंत में क्या एकाध समय बढ़ गया, अनंत शक्तियों में एकाध शक्ति बढ़ गई, कितना बड़ा हो गया बताना सही। अरे विवेकी जन कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, बड़े हो जाए तो भी आकर के माँ के चरण छूते हैं, ए बेटा तुम अब क्या कर, अरे तुम्हारा तो बेटा ही हूं। ये लौकिक भी नहीं है लेकिन परमार्थ की बात सोचो तो कितना बड़ा हो गया। जो बड़ा होता है छोटा होता है वह आत्मा नहीं है, वह तुम नहीं। जो सदा काल एक रूप रहता है, ज्ञाता रूप रहता है, वह जीव है। सुनो, जो जीव को नहीं पहचानता वह छोटा बड़ा, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। ये मानी की अनुभूति होती है, मैं बड़ा ये छोटा, ये बड़ा मैं छोटा। ज्ञानी जीवों की ये अनुभूति नहीं है। ध्यान रखना, गुरु को गुरु जानते हैं, उनके साथ शिष्य जैसा व्यवहार होता है, छोटे को छोटा जानते हैं, उनके जैसा छोटे स्नेह जैसा व्यवहार होता है, वो सब होता है, परंतु द्रव्य दृष्टि से देखा है तो छोटे बड़े की भावना नहीं आती। छोटे बड़े का व्यवहार नहीं होता तो इसका मतलब है, अरे क्या बात है, हम पंडित जी तुम पंडित जी क्या बात है, एक ही तो बात है, कौन छोटा बड़ा है, ऐसे नहीं होता। यथा योग्य विनय वर्ती है, यथा योग्य स्नेह वर्तता है, यथा योग्य भक्ति वर्ती है, सब होता है, परंतु अंतर में अंतर दृष्टि की बातें हैं। परमार्थ अंतर में बरतना चाहिए। शब्दों में हम कर्ता मानते कहते रहते हैं और लगता है हमने किया, हम कर करके मर गए और जिस श्रेय लेने को आ गए, हमने कमाया है, हमने बनाया है। कभी कभी तो ऐसा रोम कप जाए, पुत्र अगर कुछ थोड़ी सी बुद्धि आए होगा, कुछ कमा ले वे पैसा वैसा, तो पिताजी से कहने लगे तुमने क्या ही किया, तुमने क्या किया, आप नहीं समझते, काय को समझते, आप नहीं समझते, अब समय बदल गया, समझने की जगह समझाने की भाषाएं मुख्य हो जाती है। अरे समझ ले, समझने और समझाने लायक है क्या। आचार्य कुंद स्वामी ने क्या कहा, दर्शाऊं एक विभक्त को और निज वैभव से माने देखूं मैं एक विभक्त को, एकत्र विभक्त आत्मा दिखने लायक है और वही दिखाने लायक है। पुण्य का वैभव प्रभावना में समर्पित कर दे, धन्य भाग्य है जो छोड़ करके चले गए और आराधना में लग गए। धन्य तो वे हैं
जो छह खंड की विभूति को भी आराधना के लिए जीर्ण तिनके के समान छोड़ करके चले गए, और जो न बने तो ये सेकंड नंबर की बात है। पुण्य के वैभव को पुण्य धर्म की प्रभावना के लिए समर्पित कर दे और अपने वैभव को अपने लिए समर्पित कर, अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक भाव की आराधना में। ये विवेक है, ये हित का उपाय है। सो की जगह हमने जो पढ़ करके अर्थ किया है ध्यान रखना है, जो जाना दे अपार मोह खल जाल तस्य लयः। जो अपने को जानता है उसके मोह का नाश होता है, अर्थात मोह उत्पन्न नहीं होता। समय सार जी 38 नंबर की गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने कहा, मैंने निजरस से ही मोह को समूल उखाड़ फेंका है। यद्यपि समस्त पुद्गलादिक अपनी स्वरूप संपदा से स्फुरायमान है, शोभायमान है, तो अभी मुझे परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है जो मोह उत्पन्न करता है। मुझे ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति का आनंद आया है। अब कोई देवांगना भी आकर के सन्मुख हो जावे, नाना प्रकार के हाव भाव करें, तो अभी हमें विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। सच्ची बात है ये, चित्रम के मात्र ऐसा है, इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि विकार परिणाम भी अविकारी स्वभाव से च्युत होने के कारण होता है। जब अपने अविकारी स्वभाव से च्युत होता है तो विकार होता है, पर द्रव्य निमित्त मात्र है। अपने अविकारी स्वभाव से च्युत न होवे तो पर द्रव्य विकार नहीं कराता, विकार में मोह नहीं कराता, क्रोध नहीं कराता, मान नहीं कराता। अपने वैभव को नहीं जानता उसे पुण्य के वैभव का मान होता है, और नहीं तो छह खंड का वैभव, समोषण का वैभव तो वितरागियों के है, छह खंड का वैभव, इंद्रादिक पद का वैभव भी बिल्कुल मान उत्पन्न नहीं करा सकता, बिल्कुल नहीं। परमाणु मात्र ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न करा सके, क्यों मोह कराया नहीं जाता, करे तो जीव ही करे, करे तो मने स्वभाव नहीं है, लेकिन कराया नहीं आता कोई के लिए, करे तो जी भी करे। पर का दोष नहीं है, हेतु है ना, ये जो अहमपना है वो एक में ही होगा। जो अपने को नहीं जानता उसे विश्व में कुछ भी नहीं है जहां अपना तो ना हो। मोही प्राणी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे अपना न जानता, अपना न मानता। व्याख्या आप समझ लेना, ये कौन, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा देश, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये मेरे गुरु, ये मेरे पिताजी, ये मेरे मामा, ये मेरे मामा के मामा, ये मेरा कार्य, ये मेरे भोग, ये मेरे नौकर, ये मेरा मालिक, बचने वाला कुछ नहीं है। ये मेरा लक्ष्य, ये जमीन खरीदनी है, ये मेरे लिए इष्ट, ये मेरे लिए अनिष्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें अपना तो नहीं होता, इसका नाम मोह है ना। अब जिसने अपना वैभव जान लिया उसे बाहर में कुछ भी हो कैसे मानेगा ये मेरा है। और नहीं तो आप बताइए, आप यहां अभी रुके हुए हैं, यहीं की हवा में सांस ले रहे, यहीं भोजन कर रहे, यहीं सो रहे, यहीं उठ रहे, और सारी लोग परचर्या में लगे आपकी, मानो मान लो ये भिन्न हमारा नगर है, मान के बता, कोई किसी से पूछो सब अपने अपने नगर का नाम बताएंगे, खुश नहीं। जिसको ये लगता है हमारा घर वहां है उसको ये घर नहीं लग सकता अपना,
यही कारण है मोही जीव आत्मा की चर्चा को भी सुनता है तो उसे ऐसा लगता है मानो किसी और ही की बात है। देव और आत्मा को भिन्न बताता है, ऐसा बताता है जैसे कोई दो द्रव्यों को भिन्न कह रहा हो। देव भिन्न है और आत्मा भिन्न है, तू कौन है जी तो बता, कि हम तो जो हैं सो ही हैं, सेठ हैं, पंडित जी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम त्यागी हैं। एक क्षण भी ये जीव अपने को आत्मा नहीं दिखता, इसका नाम मोह है। तो जो अपने को आत्मा जानता है फिर आवे स्वांग कोई परेशानी नहीं। उन्हें पाप के उदय के नाना प्रकार के संयोग मिले कोई दिक्कत नहीं, आते हैं मिलते हैं, ज्ञान में भी आते हैं, परंतु अपनत्व कौन करा है। पर जब अपने को अपना मनवाता नहीं है तुझसे जबरन, कि तुम हमें अपना मानो और हम चले जाएं सुरो, ऐसा परद्रव्य नहीं कहता। एक चर्चा की थी पहले याद हो तो, परद्रव्य को भी देखने की इच्छा इसलिए होती है कि अपने को नहीं देखा। जो अपने को देखते हुए तृप्त हैं, अपने को जानते हुए अनुभवते हुए तृप्त हैं, उनको परद्रव्य को जानने की भी इच्छा नहीं होती। होता है मोह का नाश। अब यह उपाय सच्चा उपाय है, सम्यक उपाय है। अब इस उपाय को न करे और अन्य उपाय करे तो टोटोमल जी कहते तू जो उपाय करता है वह क्यों दे। हमने तो बहुत उपाय करके देख लिए, मोह नहीं मिटता। महीनों हम घर से बाहर चले जाते, घर से बाहर ही तो चले जाते, घर को पहचानते तो नहीं। घर में रहने से मोह नहीं मिटता, घर में को छोड़ देने से मोह नहीं मिटता, घर को पहचानने से मोह मिटता है। घर को पहचानो, घर को पहचानेगा तो घर में रहने पर भी मोह नहीं होगा, और घर को नहीं पहचानेगा तो जहां जाएगा वहां मोह हो जाएगा। जरा सी देर के लिए यात्रा करते हुए सीटों के ऊपर लड़ते, हमारी सीट पर, हमारी सीट, जहां जाएगा वहां अपना तो करे बिना नहीं रहेगा। अपन जानता नहीं ना अपना पद क्या है, हमारी सीट है कौन सी। इसलिए तो करुणा पूर्वक अमृतचंद स्वामी ने पुकारा, हे भाई जिस पद में सो रहे हो वह तो पद तुम्हारा नहीं है, नहीं है, यहां आओ, यहां आओ, हम तुम्हें बताएं। शुद्ध चैतन्य धातुमय पद व तुम्हारा पद, सिद्ध समान सदा पद तेरो। तेरो श्री गुरु कह रहे हैं, अब आप तेरो ही बोलते रहोगे। यहां आओ, आप ये कहोगे यहां आओ, क्या कहोगे? हम कहें यहां आओ, खड़े हो यहां आओ, तो आप क्या कहोगे? यहां आओ। तभी कहते सिद्ध समान सदा पद तेरो, और वह पद तोई में है तो सूझत नाही, तोई में है तो सूझत नाही। उसने कहा अच्छा मुझ में ही है और मुझ में सूझता नहीं, क्यों नहीं सूझता? अच्छा आंखें कमजोर हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाहर ढूंढता है, बाहर देखता है, इसलिए नहीं सूझता है। जितने लोग कहते हैं हमें सूझता नहीं है, उनकी नजर बाहर है। जहां जो है वहां वो देखे तो सूझे दिखे, जहां जो है नहीं वहां देखता फिरे तो क्या दिखेगा। लेकिन शिष्य ने भी नीचे की छंद में क्या कहा, मोई में है मोह सूझत नहीं के, तेरो की जगह क्या तो को और मोको की जगह क्या लगाया? मोही में है मोह सूजत नी के, हे श्री गुरु आपके प्रसाद से चैतन्य लक्षण से मैंने देखा मेरा पद मोही में है, मुझे दिख गया नी के, भली प्रकार से दिख रहा।
तो बताओ वह कैसी रंग का है, के रंग हो तो बतावे, रंग हो भी तो बतावे। आनंदमय तत्व आनंदमय दिखता है। अब कैसी माने परमेश्वर, इमिटेशन का माल कोई लेकर के आ जाए और जिसने असली रत्न देखे हो, देखना ये कैसे है, तो क्या बोले कैसे है। सच्ची बात है, बहुत दिन पहले की बात, कुछ तुकबंदियां होंगी तो ले आया एक, बोले भैया है देखना ये कॉपी देखो, बोली काहे नहीं क्या देखें बताओ, जो इतना प्रमाणिक लिखा गया है उसके ऊपर तो तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं है, उसे पढ़ने की फुर्सत नहीं है, और तुकबंदियां जोड़ करके दिखा करके क्या करना चाहते बताओ, क्या करें। तुकबंदियां मत जोड़ो भैया, तुकबंदियां मत जोड़ो, अपने को जिनवाणी के अभ्यास में जोड़ो। इतना उत्कृष्ट आपकी ताकत नहीं है, आप लिख ले। आपकी ताकत नहीं है, हमने तो कहा था भैया एक दिन, कहा था ना हमको तो हल्के दृष्टांत भी पसंद नहीं है। अब जो कुछ है ठीक है, कुछ क्या कहें क्या ना कहें किससे कहें, लेकिन हमको तो हल्के दृष्टांत भी पसंद नहीं। हमारे आचार्यों ने घी के घड़े का दृष्टांत दिया, अचार के घड़े का तो नहीं दिया कहीं, बताओ कहीं दिया हो अचार के घड़े? हम लोगों के घर में नहीं होते। अब घी रखा जाता था घरों में तो वो दृष्टांत है। जीवराज को यो जानना, डाकू का दृष्टांत तो नहीं दिया जीव को, मोह को डाकू का दृष्टांत दिया है, मोह लुटेरा, जीव को तो नहीं दिया ना डाकू का दृष्टांत। जीव राजा, संसार की अनिश्चितता में प्याज का तो दृष्टांत नहीं दिया, छिलके निकालो उसमें कुछ नहीं है, वो कौन सा होता, वो गोभी गोभी पत्ते निकालते जाओ कुछ है भी था, लेकिन वो दृष्टांत तो नहीं दिए प्याज गोभी के, केले के थंब के दृष्टांत दिए, क्योंकि मंगल कार्यों में विवाह आदि कार्यों वो केले के थंबों के द्वार वार बनाते थे, हम लोग भी छोटे में खेलते थे, अब उसमें कुछ लकड़ी तो है नहीं भीतर, ऐसे निकालते जाओ कुछ नहीं। अरे भाई पहले से ही हमें अपनी संस्कृति का परिचय करा देना चाहिए। देखो कोई भजन पढ़ा हो और फिर गाना सुने तो वो कहेगा इस भजन की तर्ज पर है, और पहले गाना सुन ले तो भजन भी सुनेगा तो वो गाना याद आएगा उसे। ये बहुत गंभीर सा है, यहाँ तो अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संद विवर्जित रेफम साध्वे रत है, साध्वे क्या है बोलना भैया, वो तो आगे हो गया ना इस शब्द ही तो नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं, बेसाधजन हमें क्षमा करें। सात समुद्र में कौन नहीं चूक जाता, चूक होने का कर्म से उदय से प्रेरित जीवों में क्या आश्चर्य। साधु विरत्र मम क्षमितव्यम, हम क्षमा करने लायक है, क्यों ये चूक हम जानबूझ करके नहीं कर रहे, हमारा अभिनय करने का भाव नहीं। अरे गंभीर तत्व को प्रतिपादन भी गंभीर शैली में ही करना चाहिए, गंभीर मुद्रा में ही करना चाहिए। उत्तर पुराण में लिखा भ्रगुटी नहीं चलाए, ऐसी कटाक्ष नहीं करे, इस प्रकार से चंचलता से नहीं करे, हंसी मस्करी में नहीं ले जाए विषय को, उत्तर पुराण में वक्ता के लक्षण में लिखाई, किसी के व्यक्ति के ऊपर आक्षेप न करे, वक्ता के लक्षण में शुद्ध दूध शुद्ध बर्तन में ही होना चाहिए,
दूध भले शुद्ध हो और नहाने के मग्गे में ले आए, सब दूध तो शुद्ध है। धार्मिक फिल्म है, अरे धार्मिक फिल्म है या धार्मिक कॉमिक्स है तुम्हारा, उसकी वेशभूषाएं भी धार्मिक होना चाहिए, उनकी चेष्टाएं भी धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक आयोजन है, हमारी वहां की प्रक्रियाएं भी अहिंसात्मक होना चाहिए, सत्य पर निर्धारित होना चाहिए, अन्याय के धन से नहीं, चाहे जैसे से नहीं, चाहे जैसे से होगा तो चाहे जो होगा। फिर ग्रस्त का पहला लक्षण सागर धर्मामृत में न्यायोपार्जित वित्तम, पहली सामग्री है न्यायोपार्जित वित्तम, और सारे विधानों में, प्रतिष्ठाओं में, आचार्य निमंत्रण आदि के प्रसंग में ये सब लिखा है। यजमान जाकर के निवेदन करता है, हे गुरु, हे स्वामिन, हमारे पिता ने न्यायोपार्जित धन न्याय पिता हमारे को सौंपा, हमने भी न्याय से उपार्जन किया और खूब अपना दान पुण्य किया, सब किया, तो अभी ये जानता हूं मैं लक्ष्मी कुटिल है, चंचल है, विनाशी है। अब हमारा भाव है इसका धर्म कार्य में उपयोग हो जाए, मंदिर बन जाए, मूर्ति बन जाए, आपकी अनुज्ञा हो तो मैं न्यायोपार्जित देता। जो तो भोजन का पहला चरण है वो सामग्री न्याय से उपार्जित हुई हो, उसके बाद की शुद्धता बाद की चलेंगे। बहुत ध्यान अपने जीवन में देना चाहिए। आज घर घर में कलह, विसंवाद, टेंशन, रोगों की वृद्धि, इसमें प्रमुख कारण है अन्याय से उपार्जित धन, परिणाम बिगड़ते हो, पाप रूप परिणाम का फल भला कैसे होगा। पंडित सदा सुखदास जी ने उत्तम शौच के प्रसंग में लिखा, 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए तो भी हृदय में जिनमणि का रहस्य नहीं समझ में आता, सो सब अन्याय का धन और अवक्ष वक्षण का फल समझना। सादगी से रहना सीखो भाई, सरलता की बात का प्रतिपादन भी बहुत सरलता से करो। हम तो कई बार कहते हैं कोई डॉक्टर वैद्य हो गए और कोई रोगी आवे तो उसके ऊपर अपनी विद्वत्ता का रोब नहीं गांठने बैठ जाता। सुनो, जानते हो रोग कितने प्रकार के होते हैं, वनस्पति कितने प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कुछ जानते हो कि वैसे ही? वह तो उस रोगी के अनुसार, रोगी की प्रकृति के अनुसार सीधी सी ये दवा दे दे। ये उपदेश भी एक तरह के भव रोग की चिकित्सा का प्रसंग है। वक्ता और श्रोता का संबंध रोगी और वैद्य की तरह ही समझना चाहिए। जिनवाणी सुनने श्री गुरु के पास भी ऐसे आना चाहिए जैसे रोगी वैद्य के समीप आता है, और वक्ता को भी यही व्यवहार करना चाहिए जो वैद्य रोगी के साथ करता है। मैं तो अनाद से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं, तो उपचार सुनो भाई, भव तुम में नहीं है, तुम भव में नहीं हो। भव रहित तो भगवान की अनुभूति से भव का अभाव होता है। निर्दोष आत्मा की दृष्टि से, निर्दोष आत्मा के आश्रय से दोषों का अभाव होता है। ज्ञान आनंदमय आत्मा की आश्रय से ज्ञान आनंद रूप पर नमन होता है, एक विधि है। आत्मभ्रांति ये रोग है। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु वचन सम पथ्य नहीं, औषध विवेक ध्यान, स्वपर के विवेक पूर्वक एकाग्र हुआ अपने स्वरूप में, इसका नाम ये औषधि है उस रोग। ये मोहरूपी रोग की औषधि कौन सी? बहुत लोग कहते हैं हमारा उपयोग कमजोर है, हमारा पुरुषार्थ कमजोर है। झूठी बात, विपरीत है। कमजोर क्यों? कमजोर हो तो चलेगा, विपरीत है।
लाइन में लगे रहो, कहीं ना कहीं तो नंबर आएगा, लेकिन कौन सी लाइन में? लाइन का मतलब है लक्ष्य के सन्मुख। और इसको छोटे छोटे बालक भी समझते हैं, आप तो बहुत बड़े हो गए, अभी लड्डू बटे लाइन लगा के खड़े हो जाओ तो उधर को मुंह करके कोई खड़ा होगा? जिधर लड्डू बट रहे हैं उधर मुंह करके खड़ा होगा कि उधर पीट करके खड़ा होगा? बोलो भाई, तो मोक्ष मार्ग की लाइन कौन सी है? अब आप समझ, आत्मा से पीट करके खड़े हैं, आत्मा से विमुख उपयोग है, लाइन में लगे रहो, कोई ना कोई दिन नंबर आए। बोल, कभी नंबर नहीं आएगा, लाइन उल्टी है, सीधी लाइन पकड़ी। जो जानते अपणम मोह खल जा तस्ल। अब मोह से हट करके मोह नाश की चिंता मत करो, जैसे समझदार व्यक्ति अंधकार बुरा लगता है, अंधकार में कुछ भी नहीं हो सकता कल का, तो अभी अंधकार की चिंता नहीं करते, अंधकार के नाश की चिंता नहीं, प्रकाश लाओ भैया, यहां उजाला लाओ, लैंटर्न लाओ, अंधकार के नाश। अरे हम लैंटर्न तो ले आए, ये बताओ अंधकार के कैसे मिटे? क्या तू समझता ही नहीं है कुछ? कहने वाला भी यही कहेगा, भैया ये अंधेरा कैसे? कोई लंटन वगैरह नहीं है क्या? दीपक नहीं है क्या? है लंटन ले आओ भैया, दिया जलाओ, कुछ तो करो। देखो वह भी उत्पाद वह द्रव्य समझता है, क्या दिया आएगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार, अंधकार को नाशने के लिए कोई अलग से उपाय नहीं करना पड़ेगा। सचमुच टीका में यही अंतिम शब्द हैं, ये मोह निराश्रयता को प्राप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, मोह को आश्रय देने वाला अब कोई बचा ही नहीं। तो मोह का कैसे नाश हो इस बात को अब चिंता को छोड़ो, आत्मा कैसे जाने इस बात को सोचो। आत्मा को जान, इसका मतलब है जानने से, चाहे कुछ जानने से, बहुत जानने से भी मोह नहीं मिटेगा, जो जानेगा उसी का मोह हो जाएगा। आत्मा को जानने से मोह का अभाव होगा, इसलिए बहुत जाने, चाहे जिसको जाने, चाहे जैसा जाने, ऐसा ही प्रक्रिया में मत लगे रहना, आत्मा को जाने। और जब आत्मा को जाने कहा तो आत्मा से जाने ये बात भी आ गई, आत्मा को भी शास्त्र से जाने, नय से जाने, ऐसा नहीं, इतने मात्र से मोह नहीं मिटेगा। जब आत्मा को कहा तो आत्मा उसमें षटकारक वहीं गर्भित होंगे, आत्मा को से जाने, आत्मा के लिए जाने, आत्मा में से जाने, आत्मा के आधार से जाने, आत्मा ही जाने, जानता हूं, जानते हुए को जानता हूं, ये मुख्य अधिकार में आया, अथवा न जानता हूं। कैसी अद्भुत बातें हैं, बड़ा तरस आता है, कहां बखत बर्बाद करते रहते हो छोटी छोटी बातों में, घंटे दो घंटे चार घंटे आठ घंटे जितना भी समय मिले बैठ करके जिनवाणी में रमो, जिनवाणी में रमो मने आनंद पूर्वक अभ्यास करो, और अभ्यास करते करते आनंदमय हो जाओ, समय बर्बाद मत करो। अहो आत्मज्ञान में ही सर्व समाधान है, और बाहर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं ये भी सब मिलती रहती हैं, आती रहती जाती रहती हैं, इनकी चिंता करने से अनुकूलता न मिलती है न प्रतिकूलताएं दूर होती हैं। अब इस बात पर विचार करो आत्मा को कैसे जाना जाए। है आत्मा, है, जाना कैसे जाए, जानने वाला ज्ञान भी है, कैसे जाना जाए? उसका उत्तर पहली लाइन में, जो जाना दे अनंतम, सो जाना दे अपाना,
मोहो खल जात तस्य लयम। कैसे सुंदर सूत्र है। एक योगी यसन बनावे खावत ना है अगावे, आप बनावे आप ही खावे खावत ना है, ऐसे ये सूत्र हैं। सच पूछो तो देखते 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 रह जाओ, तृप्ति नहीं, और जिसे भी दिखा रहे उसे देख ले तो तृप्त हो जाए। ऐसी ये अद्भुत गाथाएं हैं। आत्मा को कैसे जाने, जो जानते अरहंतम। अब पहला उपाय क्या रह गया, अनंत को जाने। तो अनंत को हम जानते हैं, अनंत को तो हम जानते हैं भैया, जानते हैं, परंतु कैसे जाने। द्रव्य गुण पर्याय से जाने, दब्बत गुणत्व पद्य जगते हैं। अभी हम अनंत को भी संयोगों से जानते हैं, चमत्कारों से जानते हैं, अतिशयों से जानते हैं। हम गए थे वहां, बड़ा अतिशय है, चमत्कार है, वो छत्र हल्लाओ तो रंग बदल रहे थे, पानी झर रहा था, दूध झर रहा था, केसर बरस रही थी, मनोकामनाएं पूरी हो रही थी, भूत खेल रहे थे। कहा है ये, अनंत को जानते हो सब, अनंत को जानते हो। अरहंत के अलावा अन्य की जगह जाने से मोह कैसे मिटेगा। लेकिन अरहंत के समीप में आकर के भी अरहंत को तुम ऐसे जानोगे, कैसे मिटेगा। विचारना मिटता है मोह अपने को जानने से, अपना ज्ञान होता है। कैसे, जो जान अरहंतम दब्बत गुणत पद जाए, द्रव्य गुण पर्याय से ज्ञान जाने तब। इसमें भी रहस्य है, इसलिए ये बात द्रव्य गुण और पर्याय तीनों, अकेले द्रव्य से नहीं कहा, क्योंकि पर्याय से अकेले से अगर न जाने, पर्याय से भी न जाने, तो वितराग सर्वज्ञ में रागी देशी में क्या अंतर रहेगा। सुदेव कुदेव का भेद ही नहीं कर पाएगा। अनंत को जब पर्याय से जानेगा तो गृहित में ख्यात मिट पाएगा, और वह पर्याय में जो इतरागता सर्वज्ञता है वह कहां से आई है, वह द्रव्य कैसा, वह गुण कैसे, इनको जानने के लिए जब जानेगा तब तेरे अपना स्वरूप समझ में हो, ये तो मैं, ऐसा तो मेरा स्वरूप। आप ये कपड़े पहने, हम ये कपड़े पहने, इससे क्या फर्क पड़ गया। आप मनुष्य, हम मनुष्य, इस मनुष्यता में दोनों में क्या अंतर हो गया जी बताओ। अंतर यही ऊपरी ज्ञान, अंतर यही ऊपरी ज्ञान, ये ऊपरी क्या फर्क पड़ गया इससे। आप यहां बैठे, हम यहां बैठ गए, क्या फर्क पड़ गया इससे। अब वही जीव को लगता है, हाँ जी बड़े हम छोटे, हमें नीचे बैठा दो, अपन ऊपर बैठ गए। अब क्या करें ये जीव को। अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य गुण पर्याय से न जाने वाला ज्ञान अधूरा है, और जो द्रव्य से नहीं जानता मात्र पर्याय को जानता वह पर्याय मूल होता है। पज्जय मूलो पर समया संसार, अलौकिक विषय है। हम तो क्या प्रेरणा कर रहे हैं आपको भाई, बाद बाकी आपको सुंदर सुखमय सुख का अच्छा लगे तो आप आज उपांत पढ़ें, पढ़ें स्वाध्याय। हमारी तो हम क्या कहें, एक व्रति है, एक गिलास पानी देना, एक लोटा पानी देना, एक बाल्टी पानी देना। अरे भैया जैसा पानी हमारे आंगन में है ऐसा तुम्हारे आंगन में है, एक कुआ खोद दो। एक एक लूटा पानी एक एक घंटे में मांगने से कैसे काम है। ये मांगना और मंगवाना दोनों ही वृत्तियां अच्छी तो नहीं है।
हमारा पानी यहाँ रख दो बस, तुम जानो तुम अपना काम करो, हमें जब पीना है जब पीना, जितना लेना ले लेंगे, खत्म हो गई। एक गिलास पानी देना, एक गिलास पानी देना, एक गिलास और देना, अरे क्या मतलब है इन बातों से, क्यों बखत बर्बाद कर। हमारे श्री गुरु तो परम उदार हैं, हाँ उन्होंने तो जिसके आश्रय से अनंत सुख होता है वह स्वरूप बताया हमें, ये स्वरूप समझे बिना समझायो तिन पद न मैं। देखो भैया जिनवाणी से दूर मत भागो, अपनी कल्पनाओं में मत विचरो, महंत बुद्धि को छोड़ो, संतों का मार्ग समझो, जिनवाणी का अभ्यास करो, जिनवाणी का अभ्यास करो, भेद ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। प्राप्ति नहीं हो ऐसा संभव नहीं है, सही हो प्राप्ति स्वरूप यो ही। ओम नमः। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा।